हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट प्रिटी कपल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम बाली पहुंच चुके थे अपने 9 आवर्स के लेओवर के बाद, और पहुंचते ही कुछ ऐसा नज़ारा था सुबह सुबह का। हमने फटाफट एयरपोर्ट से अपना बैगेज उठाया और हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। रास्ते में बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे देखने के लिए, और जैसे ही हम अपने होटल पहुँचे तो वी वर अमेज्ड टू सी दी ब्यूटीफुल होटल। तो अब देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, होटल के सामने एक वाटर बॉडी जिसमें ये बहुत प्यारे से स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और जैसे ही आप होटल में चेक इन करते हैं तो यहाँ पे एक गोंग है जो कि यहाँ के बेल पर्सन बजाते हैं फॉर वेलकमिंग द गेस्ट। और ये है इनका एक कॉन्सियर्ज, बहुत बड़ा सा ये वेलकम पोर्च है जहाँ से आप अंदर एंटर करते हैं और लेफ्ट साइड में यू डू द चेक इन। हमें जैसे ही हम होटल पहुँचे हमें पता चला कि यहाँ पे किसी इंडियन कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो ये रिसेप्शन एरिया है जो कि बहुत ही ह्यूमंगस है, और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि हिंदू कल्चर से थोड़ी सी रिलेट करती हैं। और अगर हम फर्दर इस रिसेप्शन में आगे बढ़ें तो हम सेंटर ऑफ दी होटल में खड़े होते हैं जहाँ से ये सेंटर पॉन्ड दिखता है, एंड इसमें बहुत प्यारी प्यारी फिशेस थी। जिसको देखने के बाद हम सबसे पहले नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़े जहाँ पे ये प्यारा सा अयोध्या का एक साइन बोर्ड था। और नीचे उतरते ही हमने सबसे पहले ये एक स्कल्पचर को शूट किया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने फ़ोटोज़ खिंचाई। और जस्ट उसके ऑपोजिट में था ये गेंजी रेस्टोरेंट जो कि एक जापानीज थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है। अगेन ये सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, देर वर ऑलमोस्ट 3 रेस्टोरेंट्स इन दिस होटल जो कि सारे पॉन्ड के आसपास थे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अपने रूम की तरफ चले। रूम में एंटर करते ही वी वर सो अमेज्ड, इट वॉज सच अ प्रिटी रूम। हमने एंटर जैसे ही किया सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैड आर बाथरूम जो कि ह्यूमंगस था, जिसके अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी एमिनिटीज़ थी, और साथ में लगा था बाथटब विद अ विंडो, सो इट वॉज समथिंग रियली स्पेशल। और जैसे ही हम उसके बाहर निकले तो वी हैड आर वार्डरोब जिसमें बाथरूम से यू हैव अ सेफ, और उसके साथ ही था यहाँ पे आपका कॉफ़ी मेकर विद अ रेफ्रिजरेटर। और सामने बेड के बिल्कुल ऑपोजिट में एक लगा था बड़ा सा टीवी। द बेस्ट थिंग वॉज के यहाँ पे एक वर्क स्टेशन भी था, सो इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क दे हैव द इंटरनेट फैसिलिटी टू वर्क फ्रॉम हेयर। और देखिए, दर्श इतना थका हुआ था कि उसको तो सीधा बेड चाहिए था, सो ही वो सीधा जाके अपने बेड पे बैठ गया ऑन अ किंग साइज बेड। द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम वॉज द व्यू विद दिस बालकनी, एक इतनी बड़ी बालकनी मिली हुई थी जिसमें सोफाज तक लगे थे विद अ टेबल, और ये कुछ इतना प्यारा व्यू था। और जैसे ही हम रूम से बाहर निकलते हैं तो वी ऑल्सो गेट अ ओशियन व्यू फ्रॉम द कॉरिडोर, और बीच देखते ही हम लोग निकल पड़े पूल की तरफ। बट यार ये कितना क्लीन और ब्लूइश है। ग्रीनरी बहुत है। पता है यहाँ तो कहीं भी खड़े होके फोटो क्लिक करा लो तो अच्छी ही आएगी। ये देखो हमारे दोस्त रिजॉर्ट में आके फोटोज खींच जाते हुए फाउंटेन के सामने। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है यार। वैसे बढ़िया दिया भाई। हाँ बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा लग रहा है कोमल? तो शाम को थोड़ा सा स्नैकिंग करने के बाद, पूल में थोड़ी देर मज़े लेने के बाद और बीच देखने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने होटल टूर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस होटल में देर आर मोर देन 550 रूम्स, जिसमें से हमारा रूम था ग्रैंड फैमिली कनेक्टिंग रूम, ग्रैंडे फैमिली कनेक्टिंग रूम, और बहुत ही प्यारा रूम था। अगर मैं बात करूँ यहाँ के रेस्टोरेंट्स की तो यहाँ पे 3 से 5 रेस्टोरेंट्स हैं। 3 तो मेन रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें से गंजी एक था, देन वी हैव 1 वाटरफॉल रेस्टोरेंट जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा खाना था। और अगर बात करें बीच साइड व्यू की तो कुछ ऐसा व्यू था, इनका खुद का प्राइवेट बीच है। उसको देखने के बाद हम आगे बढ़े फिटनेस सेंटर और स्पा देखने के लिए। तो जब हम फिटनेस सेंटर की तरफ गए तो वी गॉट टू नो कि यहाँ पे 2 फिटनेस सेंटर हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी इतनी ह्यूज है तो फिटनेस सेंटर एक कैसे हो सकता है। उससे पहले हमने सोचा कि हम जाके पहले स्पा को देखते हैं, बट स्पा के लिए दी एलिवेटर वॉज नॉट वर्किंग एट दिस टाइम, एंड स्पा भी बंद था बिकॉज कस्टमर बहुत कम थे, अभी बाली का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम आगे बढ़े और हमने देखा कि जिम हम चेक कर लेते हैं कि वेदर जिम इज़ ओपन और नॉट। अनफॉर्चुनेटली जिम भी बंद था, एक जिम बंद था। देन वी गॉट टू नो कि वी हैव 2 जिम्स। सडनली हमने देखा कि सेकेंड जिम में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन हेमंत वॉज देयर। तो हम जैसे ही जिम में एंटर किया वी सॉ सो मैनी साइकिल स्टैंडिंग देयर। तो ये भी एक होटल की फैसिलिटी है कि वो साइकिल प्रोवाइड करते हैं
आप अगर होटल का टूर साइकिल से करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। और यहाँ देख सकते हैं आप, ज्योति भी बैठी है, हेमंत एक्सरसाइज कर रहा है, ये 1 2 1 2। और यहाँ से निकलने के बाद हमने कुछ गेस्ट एक्टिविटीज़ को कैप्चर किया, विच वी गॉट टू नो कि यहाँ पे बेलेनीज कॉस्ट्यूम फोटोग्राफ शूट भी होता है, जिसके प्राइसेस वगैरह बहुत ही डिसेंट थे एज़ पर इंडियन करेंसी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है वाटरफॉल रेस्टोरेंट, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट बूफे ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है एवरी मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मैं आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या ट्राई किया। और इसका व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। और इस स्वान को देखिए जो यहाँ पे चल रहा है, अभी ये स्वान हमारे सामने यहाँ पे जंप करके दूसरी तरफ जाएगा और अपना खाना खाएगा। सो इट वॉज सो अमेजिंग टू सी, आप नेचर के इतने पास थे और इट वॉज़ सो प्रिटी टू सी दैट। और इसी के साथ गाइस ख़त्म करते हैं हम अपना ये वाला व्लॉग। और इसके अलावा जो भी आपको क्वेरीज हैं रिलेटेड टू अयोध्या, फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम देयर टू हेल्प यू।